जी हाँ सर, हम लगातार हम बात कर रहे हैं एमसीजी कमिश्नर यशपाल जी के बारे में। और सर, दरअसल बहुत सारा चैलेंज चुनौती गुरुग्राम शहर के सामने है, क्योंकि दुनिया का बड़ा शहर में शुमार होता है। पहली बात करें डार्क जोन का बड़ा मुद्दा है, उसे लेकर क्या कुछ किया गया है आपकी तरफ से कि ये जो पानी का लेवल है, ये जो परेशानी है, इससे गुरुग्राम को मुक्ति मिले। आप बारिशों के दौरान अगर आप देखेंगे तो बारिश का पानी ना केवल लोगों को असुविधा करता है बल्कि अल्टीमेटली ड्रेन से बहकर नदी में मिल जाता है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा हरियाणा बिल्डिंग कोड 2016 बनाया गया और इस चीज़ को टैकल करने के लिए प्रोविजन उसके अंदर रखा गया कि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका रूफ टॉप 100 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, उन सभी को अपने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाने चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुड़गांव ने उस मैंडेट को पूरा करने के लिए एजेंसीज हायर की हैं और उन एजेंसीज को ये मैंडेट दिया गया है कि आप डोर टू डोर जाकर हर इस स्ट्रक्चर के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स लगाएंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जितना भी बारिश का पानी होगा वो सारा परकोलेट करेगा, बहकर बाहर नहीं जाएगा। तो जो डार्क जोन के अंदर हम आए हुए हैं, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे होगा। इसके अलावा जितना भी हमारा स्वेज सिस्टम है उसके अंदर हम माइक्रो एसटीपीज लगाकर और जहां हमारे बड़े एसटीपीज हैं वहां जीएमडीए के माध्यम से रिसाइकल वाटर की पाइपलाइंस डालकर सभी पार्क्स के अंदर और सभी ग्रीन बेल्ट्स के अंदर इस रिसाइकल वाटर को यूज़ करेंगे, तो इससे ना केवल हमारा जो पोटेबल वाटर है उसकी डिमांड कम होगी बल्कि ये सारा पानी भी अल्टीमेटली धरती के अंदर जाएगा और ये रिचार्ज करने का काम करेगा और इसके साथ साथ ये पोल्यूशन को भी कंट्रोल करेगा। तो वाटर रिचार्जिंग के ऊपर आने वाले महीनों के अंदर, आने वाले सालों के अंदर हम बड़े लेवल पे काम करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जितना भी पानी बारिश के दौरान यहाँ पर आता है वो सारा का सारा ग्राउंड के अंदर चला जाए। जी, ये तो कोशिशें आपकी तरफ से हो गई, लेकिन सवाल एक बड़ा ये भी है कि लोगों में चाहे वो अवेयरनेस की बात करें कि सच में पानी का सही इस्तेमाल हो, दूसरी बड़ी बात ग्राउंड वाटर का कमर्शलाइजेशन के लिए यूज़ होना, ये कई सारी चीज़ें हैं। इस पर नगर निगम शायद रोक लगा नहीं पाया है, या फिर यूँ कहें कि ठीक से देखभाल नहीं हो पा रही है या कानून इन्फोर्स नहीं हो रहा है। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई साल पहले एक डायरेक्शन दी थी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर फ्रेश वाटर यूज नहीं होगा। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को एक मैंडेट दिया गया था कि आप सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने वाले लोगों को रिसाइकल वाटर मुहैया करवाएंगे। आज भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और जीएमडीए के द्वारा अपने एसटीपी से रिसाइकल वाटर इन सभी लोगों को दिया गया है। हमने पिछले कई महीनों से लगातार इस बात के खिलाफ अभियान भी चलाए हैं, लोगों को चलान भी किए हैं कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ रिसाइकल वाटर ही यूज़ करें, पोर्टेबल वाटर यूज़ नहीं करेंगे, और अगर किसी तरह की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करें। हम ये बात कर रहे हैं कि नगर निगम गुरुग्राम को स्वच्छ, सुरक्षित और ग्रीन बनाने के लिए और ख़ासकर क्या और कुछ ज़मीन पे काम हो रहे हैं, खुद नगर निगम कमिश्नर साहब बता रहे हैं। सर, ये आपका ट्रांसफ़र स्टेशन है, कैसे काम करता है ये? इको ग्रीन हर घर पे जाके कूड़ा इकट्ठा करता है और टिपर्स के माध्यम से उस कूड़े को इस ट्रांसफर स्टेशन के ऊपर आता है। यहाँ पर ट्रांसफ़र स्टेशन के अंदर वो ट्रांसफ़र करता है कूड़े को और इन कन्वेयर बेल्ट्स के माध्यम से ये कंपैक्टर के अंदर जाता है। इन बिटवीन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है, अगर इसमें से कोई ऐसा चीज़ है जो वैल्यूएबल है तो ये इसको बीच में से निकाल लेते हैं, उसके बाद में ये कंपैक्टर के अंदर सारा मलबा जाता और ये कंपैक्ट हो जाता है तो इसके अंदर काफ़ी सारा मलबा आ जाता है। इसके बाद में कंपैक्टर ट्रांसपोर्ट किया जाता है बंदवाड़ी प्लांट के अंदर और वहाँ जाकर ये डंप कर दिया जाता है। तो बेसिकली ट्रांसफर स्टेशन का पर्पज़ ये है, कहीं खुले के अंदर एक तो मलबा ना डाला जाए, दूसरा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो कंपैक्टर्स को यूज़ किया जाता है जिसमें काफ़ी सारा मलबा एक बार में आ जाता है जो प्रेशराइज्ड होता है। तो ऐसे पूरे शहर के अंदर 3 ट्रांसफर स्टेशन ऑलरेडी फंक्शनल हैं, 4 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और टोटल 10 ट्रांसफर स्टेशन हमें 2019 तक बनाने हैं। ये शहर की ज़रूरत के हिसाब से
समझते हैं कि 10 ट्रांसफर स्टेशन काफ़ी हैं, शहर बहुत बड़ा है। बिल्कुल नहीं, 10 इनकी कैपेसिटी बहुत है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट होके जाता है और बाकी इनके पास में जो टीपर्स हैं उनसे यहाँ तक आता है, तो ये हमारी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आज के दिन काफ़ी है। मूवमेंट गुरुग्राम में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन होती है या ज़रूरत है विकास की बिल्डिंगों के बनने की, तो जो पुरानी बिल्डिंग है वो टूटती हुई और उनका मलबा एक परेशानी का सबब बनता है। कमिश्नर साहब के पास इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की योजना बना रहे हैं कि जो ये मलबा है उससे निजात मिल जाए शहर को, क्या है सर वो? हमारा जितना भी शहर का एरिया है वहाँ पर हमने एजेंसीज़ को हायर किया है और एक टोल फ्री नंबर हमने लोगों को दिया है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन या डेमोल्यूशन करें तो उस मलबे के लिए आप हमें कॉल करें, हम उनके घर से वो मलबा उठाएंगे। उठाने के बाद में हमने यहाँ पर बसई में हमारा एक प्लांट लगने लग रहा है जिसमें इसको ले जाकर रीप्रोसेस रिसाइकिल करेंगे और इसको रीयूज़ करेंगे। इसके अलावा शहर के अंदर जो पहले वेस्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में पड़ा हुआ है उस पूरे वेस्ट को मोबाइल यूनिट्स हम लेकर आ रहे हैं जो वहीं इंस्टीट्यूट वहीं मौके के ऊपर ही उसको ट्रीट करेगी और ट्रीट करने के बाद में हम उनसे कर्ब स्टोन, टाइल्स और इस तरह का मटेरियल जो हमें चाहिए होता है कॉरपोरेशन को वो सब चीज़ें उससे तैयार करेंगे। तो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर हमारा टारगेट ये है कि शहर के विभिन्न भागों में जितना भी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन वेस्ट पड़ा हुआ है उस सारे को हम प्रोसेस करके रीयूज़ कर लें और इसके अलावा जो नया हमारा जितना भी कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन वेस्ट है उसको हम अपने बसाई प्लांट पर लेके जाएँ और वहाँ पर उसको ट्रीट करके रीयूज़ कर लें। जिस तरह से लगातार कमिश्नर साहब दिखा रहे हैं कि नगर निगम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, एक और बानगी उसकी देखिए, ये टॉयलेट है, टॉयलेट को बड़ा खूबसूरत बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, सर आप ही बताइए, ये बड़ा शानदार लग रहा है जिस तरह से चित्रकारी की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक नई मुहिम छेड़ी गई थी स्वच्छता की इस देश के अंदर, उस मुहिम के अंदर देश के गाँव-गाँव शहर-शहर जुड़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर गुरुग्राम क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के टॉयलेट्स को एक अलग आइडेंटिटी देने के लिए, ताकि लोगों को दूर से देख के भी पता लगे कि यहाँ पे टॉयलेट है, एक ये नई कलर स्कीम बनाई गई है। इसके अलावा इन सभी टॉयलेट्स को यूज़र फ्रेंडली भी बनाया गया है, डिसेबल फ्रेंडली भी बनाया गया है, रैंप्स का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है और टॉयलेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना केवल टॉयलेट पेपर्स वहाँ पर हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं, आपको हैंड वॉश के लिए वहाँ पर सॉप भी मिलेगा और एग्जॉस्ट फैन के अलावा यहाँ पर एक फीडबैक के लिए मशीन भी लगाई गई है। अगर यहाँ पर आपको लगता है ये गंदा है या अच्छा है तो कोई भी फीडबैक आप देंगे तो डेली बेसिस पर वो फीडबैक हमारे तक पहुँचता है, तो उसके हिसाब से हम इनकी मॉनिटरिंग कर पाते हैं। तो एक मुहिम है इस शहर के लोगों को साफ़ सुथरे स्वच्छ टॉयलेट प्रोवाइड करवाने। महिलाओं के लिए भी हम देख रहे थे कि कुछ खास इंतजाम किए हैं आपने। महिलाओं के लिए टॉयलेट्स के अंदर सैनिटरी नैपकिन्स, सैनिटरी पैड्स भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वेंडिंग मशीन्स भी हैं और उसके लिए डिस्पोजेबल मशीन भी वहीं की वहीं साथ में लगाई गई हैं ताकि उनको कहीं इधर उधर उसको फेंके ना, हैजर्डस एक वेस्ट वहां पर होता है, तो ये सुविधाएं भी यहां पर इन महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यहां पर की गई हैं। और इसका चार्ज महिलाओं को पे करना होता है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉरपोरेशन की तरफ से दी जा रही है, इसका कोई भी चार्ज उनसे नहीं लिया जा रहा है। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इन्हीं फैसिलिटीज़ की वजह से गुरुग्राम हरियाणा का पहला ODF प्लस सिटी बना है और हम ODF प्लस प्लस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और इसी वीक के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे शहर का क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है वो इंस्पेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो हम ODF प्लस प्लस के लिए भी कम्पीट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ ने अधिकारियों ने काम किया है हम ODF प्लस प्लस पाने वाले इंदौर के बाद दूसरा शहर हिंदुस्तान का होगा। अच्छा, गुड़गांव शहर में एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दीवारें जो हैं बेहद खूबसूरत दिखेंगी और शानदार मैसेज के तहत होंगी, जिस तरह से स्वच्छ भारत स्वच्छ गुरुग्राम, आप पेंटिंग के साथ खूबसूरत दीवार भी देख सकते हैं, ये भी नगर निगम की ही मुहिम है, सर इसके बारे में बताइए। डिफेसमेंट बहुत बड़े लेवल पर लोग करते हैं, हमने डिफेसमेंट स्क्वाइड्स बनाए जिसमें लोगों को हमने चालान किया, उनको एजुकेट भी किया कि दीवारों को गंदा मत करिए, उनके ऊपर काफ़ी जुर्माना भी लगाया गया, लेकिन अल्टीमेटली ये सोचा गया कि खाली अगर दीवारें होती हैं तो लोग उसके ऊपर कुछ न कुछ चिपकाते हैं और उसको गंदा करते हैं। अगर वहाँ सामने आप देखेंगे
तो डिफरेंट तरह के स्टिकर्स वहाँ पे चिपका दिए गए हैं जिससे दीवार गंदी लगती है, और इसी तरह से इस दीवार को भी साफ करके पेंट कर दिया गया है। तो ना केवल ये साफ सुथरी रहेगी बल्कि एक स्वच्छता का मैसेज भी लोगों को देता है, तो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो होगा वो बेहतर एनवायरनमेंट होता है और ऐसे में लोग गंदगी करने से दूर हटेंगे। आप इस एरिया को भी अगर देखेंगे तो आमतौर पर आपको इस तरह से साफ स्वच्छ नज़र नहीं आएगा, कहीं कहीं कोई गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। तो ये सारा एरिया एक विशेष मुहिम के तहत पूरे कॉरपोरेशन एरिया को साफ रखने का, सुथरा रखने का एक मुहिम चलाई जा रही है, जो कि काफ़ी लोगों के सहयोग से जो सिविक सोसाइटी है उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही है। लोग अपने अपने एरियाज को साफ कर रहे हैं और आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर आप देखेंगे तो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर गुड़गांव कहीं आपको बेहतर नज़र आएगा। क्या बात है, शहर को स्वच्छ साफ और सबसे बड़ी बात सुंदर बनाने का प्रयास, ये उसकी वानगी है। अफसरनामा लगातार जारी है। अच्छा, गुरुग्राम शहर की एक और खास बात यह है कि यहाँ भी 2 गुरुग्राम बसते हैं, एक नेशनल हाईवे की इस तरफ और एक नेशनल हाईवे के दूसरी तरफ जिसे पुराना गुरुग्राम कहते हैं। सर, वहाँ की स्थिति देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे मतलब अनाथ टाइप स्थिति हो जाती है। दोनों में बड़ा फर्क दिखाई देता है। वो लोग जाम की समस्या से भी जूझते हैं, सीवरेज की समस्या से भी जूझते हैं, तो उसको लेकर क्या विशेष कुछ किया जा रहा है उस तरफ? पुराने गुरुग्राम की अगर बात करें, ट्रैफिक की समस्या वहाँ पर निश्चित तौर पर है क्योंकि सड़कें सकरी हैं, पुरानी हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम और पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट वेंचर किया जा रहा है जिसमें उन सभी रोड्स के ऊपर इलीगल पार्किंग को, एनक्रोचमेंट को हम हटाने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ तो हमने उसके आसपास पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां पर गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। तो आने वाले दिनों के अंदर आपको इस मुहिम का असर नज़र आएगा और जितना भी रोड अवेलेबल है वहाँ पर वो सिर्फ मूविंग व्हीकल के लिए ही अवेलेबल होगा, किसी भी तरह की पार्किंग वहाँ पे अलाउ नहीं की जाएगी। इसके अलावा मैं ये जरूर आपको बताना चाहूँगा कि पुराने गुरुग्राम के अंदर भी स्पेशल तौर पर ड्राइव्स किए गए सफाई को लेके, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि जो डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं उनके अलावा आपको पूरे शहर के अंदर कहीं भी कचरा नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। जाम की समस्या की बात करिए आपने, वहाँ सकरा है पूरा, स्पेस की कमी है, तो वहाँ किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था हो या दूसरी और चीज़ें कैसे करेंगे? पुराने गुरुग्राम के अंदर विशेष तौर पे सदर बाज़ार उसके आसपास का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, वहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के द्वारा उसके आसपास 3 मल्टी लेवल पार्किंग डेवलप की जा रही है जो हम अपने पैसे से डेवलप करेंगे, और उसके अंदर निचले स्तरों पे 2 जगहों पर शॉप्स होंगी और उसके ऊपर के जो एरियाज होंगे और जो बेसमेंट होगी वहाँ पर पार्किंग स्पेस दिया जाएगा। तो ना केवल वहाँ पर कमर्शियल स्पेस अवेलेबल होगा लोगों के लिए बल्कि उसको बेच कर जो पैसा आएगा उसी से मल्टी लेवल पार्किंग भी डेवलप की जाएंगी। तो ये परमानेंट सोल्यूशन होगा उस क्षेत्र के लोगों के लिए और उनकी पार्किंग की समस्या होगी। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे फर्स्ट टाइम इन गुरुग्राम, मतलब प्लास्टिक वेस्टेज से ये गुरुग्राम नगर निगम का एक और अच्छा कदम है कि प्लास्टिक वेस्टेज से रोड बनाई गई है। कमिश्नर साहब, इसके बारे में और थोड़ा सा बताइए, बड़ी अच्छी पहल है, पहली बार गुरुग्राम में। अगर किसी भी शहर के अंदर आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई नज़र आती है तो पॉलीथीन की और प्लास्टिक की नज़र आती है, जो ना केवल हमारे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, सीवेज लाइन्स उनको चौक करती हैं बल्कि वो डिग्रेड भी नहीं होती हैं। इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो एक्सपेरिमेंट्स यहाँ डिफरेंट लेवल्स के अंदर हुए, हमें बेंगलोर हमने एक टीम भेजी, उन्होंने आके एक रिपोर्ट की और ये बताया गया कि इस प्लास्टिक को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये 100 मीटर की रोड हमने बनाई, जो एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल रहा, और अब हम इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट बेंगलोर की एक फर्म के साथ
के पास में है, उस फर्म के साथ कल हम एक MOU साइन करने जा रहे हैं। वो हमें प्लास्टिक शेड करके प्रोवाइड करवाएगा और उस प्लास्टिक को हम जब ये दोबारा से बिटुमिनस रोड बनने शुरू होंगे फरवरी के एंड में, तो हम जितने भी रोड्स बनाएंगे उस सब के अंदर प्लास्टिक यूज़ करेंगे। तो इससे ना केवल हमारा पूरा प्लास्टिक वेस्ट खत्म हो जाएगा, एक न्यूसेंस खत्म हो जाएगी, बल्कि जो रोड्स बनेंगे उनकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, उनकी मेंटेनेंस भी कम होगी, तो दोनों तरह से वो फ़ायदा होगा। तो कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी रोड्स हैं उन सब के अंदर प्लास्टिक को यूज़ करके इस न्यूसेंस को हम खत्म करने जा रहे हैं। नगर निगम की कमिश्नर साहब एक और मुहिम हमें दिखा रहे हैं, कंपोस्टर है ये, नया ही इंस्टॉल किया है सर, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज इसका उद्घाटन हुआ है, इसका क्या मकसद है? हमारे MSW रूल्स 2016 ये कहते हैं कि जितना भी म्यूनसिपल वेस्ट आपके यहाँ पे जनरेट होता है उसको हमें कंपोस्ट बनाना चाहिए। तो इस शहर के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, कॉरपोरेशन के द्वारा बहुत सारी एजेंसीज को एम्पैनल किया गया। उन्हीं एजेंसीज में से कुछ ने ये कहा कि हम मशीन के द्वारा 24 आवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट का वेट रिड्यूस कर देंगे। कुछ लोगों को ये अप्रिहेंशन थी कि ये किसी तरह के इंसिनरेटर्स ना हो जहाँ पर ये जल जाएगा और इसकी कंपोस्ट क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इसलिए ये पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसके अंदर हम जो म्यूनसिपल वेस्ट है, वेट वेस्ट है और हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, उसको मिक्स करके इसके अंदर रख रहे हैं और एक महीने तक इसको हम पायलट करेंगे। तो इसमें दो तीन चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसकी कितनी है, क्या कहीं किसी तरह से इसके अंदर मलबा जो है ये म्यूनसिपल वेस्ट है जलता तो नहीं है, और जब ये बाहर आएगा तो इसकी कंपोस्ट की क्वालिटी कैसी होगी, ये सब चीज़ें हम इसमें पायलट के तौर पर कर रहे हैं। और ऐसा हम शहर के जितने भी बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं और बाकी एरियाज़ हैं उन सब एरियाज़ में कर रहे हैं। इसका मॉडल बड़ा सिंपल होगा, 1000 घरों का क्लस्टर हम बना रहे हैं, उसके अंदर 4 रैग पिकर्स को लगाया जाएगा। ये 4 रैग पिकर्स 250 घरों में से वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे और यहाँ पर लाकर उसको कंपोस्ट करने में मदद करेंगे। तो इसके एवज में जो यूज़र चार्जेस होंगे वो कलेक्ट लोगों से किए जाएंगे और इसमें से जो रिसाइकलेबल वेस्ट जनरेट होगा वो भी बिकता है, उसकी कॉस्ट भी आएगी, और जो कंपोस्ट बन के यहाँ से जाएगा उसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 500 रुपये पर केजी में खरीदता है। तो यूज़र चार्जेस से, रिसाइकल मटेरियल बेचने से और कंपोस्ट की बेचने से जो पैसा आएगा उससे ये सारे प्रोजेक्ट चलेंगे जो कि फाइनेंशियली वाइबल हैं। और ऐसे ही शहर के अंदर ऑलरेडी 26 जगह के ऊपर RWA जिस तरह के प्रोजेक्ट को चला रही है। ये बड़ी अच्छी मुहिम है, जिस तरह से आपको बता दें इस मशीन की खासियत ये भी है कि जो अगर 100 किलो वेस्ट है तो उसको 20 किलो कर देती है, 20 से 25 किलो, और उसकी जो खाद बनती है वो भी बड़े, हाँ, जैविक खाद है, वो भी इस्तेमाल में आती है। और इसी तरह की मुहिम जिस तरह से कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि पूरे शहर में जो अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो पूरे शहर में इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। तो लगातार कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि नगर निगम किस तरह से गुरुग्राम को स्वच्छ रखने का प्रयास करता है, उसकी समस्याएँ चाहे किसी भी तरह की हों कि शहर को सही रखने की कोशिश करता है, दुरुस्त रखने की कोशिश करता है। सड़कों की सर एक और ये दरअसल खबरें भी हमारे पास आती रहती हैं, चाहे वो सेक्टर्स की बात करें, कॉलोनियों की बात करें, सड़कों की स्थिति सही नहीं है, इस तरह खबरें लगातार हम सुनते हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के अधिकार क्षेत्र के अंदर जितनी भी सड़कें हैं हमने ना केवल उनको रिपेयर किया बल्कि उनको पोर्ट होल फ्री भी किया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी कि हर पथ के अंदर किसी भी तरह की कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए, तो हम ना केवल हर पथ की कंप्लेंट्स को प्रायोरिटी पे रिजोल्व करते हैं बल्कि उससे आगे जाकर प्रोएक्टिवली हमने अपनी सड़कों को पोटहोल फ्री बनाने का निर्णय लिया और सभी रोड जो रिपेयर मांग रही थी उसको हमने रिपेयर किया। तो अगर आप इंटरनल रोड्स को कहीं पर भी देखेंगे तो बिल्कुल आपको साफ सुथरी मिलेंगी और पोटहोल फ्री मिलेंगी। इसके अलावा पिछले लगभग 1.5 महीने से पूरे शहर की सड़कों का, उसकी ग्रीन बेल्ट्स का, उनकी सेंट्रल वर्ड्स का, सभी का मैसिव क्लीनिंग का एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं जिसमें जितनी भी डस्ट वहाँ पर पड़ी हुई है या कोई भी मलबा, कोई भी वेस्ट वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको उठा के रिमूव कर रहे हैं और ग्रीन बेल्ट्स को रेस्टोर करने लग रहे हैं। तो शहर के अंदर ओवरऑल लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिले और लोगों के अंदर एक मनोवैज्ञानिक तौर पर इस बात का इम्पैक्ट आए कि वो गंदगी फेंकते हुए हिचकिचाएं, इस तरह का अरेंजमेंट किया जा रहा है कि हर चीज़ उनको साफ सुथरी नजर आए ताकि लोग भी इस बात को महसूस करें, उसको कंट्रीब्यूट करें उसके अंदर।
नगर निगम किस तरह से गुरुग्राम में काम कर रहा है उसकी बानगी लगातार कमिश्नर साहब बता ही रहे हैं। एक और आपको दिखा देते हैं, ये दरअसल बंद हुआ करता था, पूरे गुरुग्राम के जो पुराना गुरुग्राम है उसके और खासकर सेक्टर से मिलता हुआ है, तो इसकी स्थिति अब बहुत बेहतर हो गई है हम देख पा रहे हैं और इसको और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर बताइए क्या कुछ चेंजेस किए हैं यहाँ? पहले जब पानी आता था तो उस पानी को रोकने के लिए बांध ये बनाया गया था। आज के दिन क्योंकि सभी जगह पे डेवलपमेंट हो चुका है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बन गई हैं, सीवेज लाइंस बन गई हैं, इस वजह से इस बांध का उपयोगिता लगभग खत्म हो गई है जहाँ तक पानी रोकने की बात है। अब इसको लोग आमतौर पे वॉक करने के लिए, चलने के लिए यूज़ करते हैं। ये लगभग 12 किलोमीटर लंबा बांध है जो बादशाहपुर से शुरू होता है और यहाँ सेक्टर 15 पार्ट 1 के अंदर आके ख़त्म होता है। इसके अंदर एनक्रोचमेंट बहुत बड़े लेवल पे हो गई थी, उसको एनक्रोचमेंट को रिमूव किया गया है और इस एरिया को साफ सुथरा करके इसके ऊपर प्लांटेशन भी की जा रही है, इसके अंदर लाइट्स भी लगा दी गई हैं। ये वाला जो पार्ट था इसके अभी रेनोवेशन का इसका काम चल रहा है। सर ने बांध की उस तरह की तस्वीर दिखाई थी आपको कि उसको डेवलप किया जा रहा था, लेकिन यहाँ कुछ डेवलपमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इस तरह की कुछ ये तस्वीर बनाई जा रही है यहाँ के लोगों के लिए। इस बांध की स्थिति, ये एंट्रेंस आप देख सकते हैं। सर ये बेसिकली अगर आइडिया की बात करें, इसके पीछे क्या मकसद है आपका? ये क्योंकि शहर का बहुत अच्छा इलाका है और इस तरह की ज़मीनें गुड़गांवा के अंदर मिलना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ज़मीनें बहुत महंगी हो गई हैं। तो जितने भी पब्लिक स्पेसेस हमारे पास में उपलब्ध हैं उन सब पब्लिक स्पेसेस को हम लोगों के लिए उपलब्ध करवाना चाहते हैं ताकि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहां पर हो सकें। तो आप इन बांध का और कोई उद्देश्य रह नहीं गया है, इसलिए इसको वॉकिंग स्पेसेस के लिए और साइकिलिंग ट्रैक बनाने के लिए उसके लिए यूज़ हम कर रहे हैं। अगर इस बांध के ऊपर भी देखोगे तो काफ़ी सारी वेजिटेशन है जिसमें आप दिन के किसी भी समय पर अगर आकर वॉक करना चाहें तो वॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर साइकिल ट्रैक भी हम बनाने लग रहे हैं और इस पूरे एरिया को यहाँ अगर साइड में आप देखेंगे तो ये घास वगैरह लगा के इसका रेस्टोरेशन कर रहे हैं ताकि साफ़ सुथरा ये रहे। इसके अलावा इस तरह के सीटिंग एरिना हम बना रहे हैं जहाँ पर लोगों को बैठने के लिए भी जगह मिलेगी। ये इसके अलावा यहाँ पर हमने कॉफ़ी शॉप और जूस सेंटर भी खोलने यहाँ बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग केवल आकर इस तौर पर जो बुजुर्ग रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं और अपने टाइम को बेहतर सदुपयोग कर सकते हैं। इस पूरी बांध के ऊपर ये इस तरह की फेंस की लाइट्स भी लगाई गई हैं, अगर रात को आप इसको जलते हुए देखेंगे तो ये कहीं ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर नज़र आता है। और ये जो वॉकिंग ट्रैक है इसको भी हम क्योंकि थोड़ा अंडुलेटिंग था, उबड़ खाबड़ था और मैंने कई बार यहाँ पर देखा कि बुज़ुर्गों को कुछ लोगों को गिरने से यहाँ पे चोटें भी आई हैं, तो इसको ज़्यादा सहज और सुलभ एक सुविधा उनको उपलब्ध हो इसलिए इस पर ये पत्थर भी लगाया जा रहा है जिस पर चलना ज़्यादा आसान होगा। तो इस यहाँ लोकल रेजिडेंट हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से ये नगर निगम की मुहिम है, आप देख रहे हैं कि पहले बांध की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं होती थी, किस तरह से देखते हैं अब आप इसको? मैं तो सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। एक्चुअली मैं तो एक NRI हूँ, फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स आई एम स्टेइंग इन यूरोप और पर मैं जब भी आता हूँ महीने दो महीने के लिए मैं यहाँ घूमता हूँ। आप जो सिचुएशन देख रहा हूँ, जो काम हो रहा है, दस ब्यूटीफुल हैं, बहुत सराहनीय है। इसके अलावा सर ये जो भी आपने जितने भी चीज़ें विकास कार्य गिनाए, खर्चे की बात ज़्यादा थी, अगर नगर निगम की इनकम की बात करें वो क्या स्थिति है, वो सोर्सेज क्या बढ़े हैं? नगर निगम जितने भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें उनको करने के लिए हमारे पास आज के दिन काफ़ी पैसा है, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी की बात है। इस साल भी अगर हम बात करें तो 160 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स हम लोगों ने हमें अब तक पे किया है। ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, किसी को भी कॉरपोरेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई शिकायत भी है तो आप ऑनलाइन दे सकते हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं और वापस भेज देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे सोर्सेज हम जनरेट करने लग रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग जो बनाने जा रहे हैं वो एक रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट करेगा।
ट्रेड लाइसेंसेस इस जगह पर नहीं देते थे। ट्रेड लाइसेंसेस का हमने काफ़ी बड़े लेवल पर मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें हम सब लोगों को ट्रेड लाइसेंसेस इशू कर रहे हैं, उनके बदले में फीस वहाँ से चार्ज करने लग रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर लॉजिंग हाउसेज होते हैं। लॉजिंग हाउसेज के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई बेड किसी को सोने के लिए ठहरने के लिए देता है तो उसको सालाना 1000 रुपये फीस देनी होती है। इस शहर के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर लॉजिंग हाउसेज हैं, लेकिन हम उनसे कोई पैसा नहीं ले पा रहे थे। इस साल से हमने उन सबको रजिस्टर करना शुरू कर दिया है और उनसे भी हमारे को काफ़ी पैसा आने लगा है। इसके अलावा स्ट्रीट साइड के ऊपर हम पार्किंग एरियाज डेवलप करने लग रहे हैं, जहाँ गाड़ियों को पार्किंग पेड भी होगी, उससे हमारे को कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो डिफरेंट वेज एंड मीन्स हम इसमें से निकाल रहे हैं, जहाँ से हमारे को रेवेन्यू यहाँ कॉरपोरेशन के लिए आएगा। और मुझे लगता है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर कॉरपोरेशन काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, पैसे की हमें कोई किल्लत नज़र नहीं आती है। तो शहर को जिस तरह से बात करें, हम शुरू से ही बात कर रहे हैं, और नगर निगम का भी यही मकसद है कि शहर को सुरक्षित, साफ और यूँ कहिए कि पूरी तरह से, चाहे वो सीवरेज की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सब पूरी तरह से व्यवस्थित की जाए, इसमें नगर निगम और कमिश्नर साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं। उनका विज़न, उनका काम भी आपने ज़मीन पे देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा। वरना हम भी इन बातों से अनजान थे, खासकर दर्शक भी। ऐसी स्थिति होती है कि किस तरह से इतना बड़ा सिस्टम काम करता है, यह अमूमन हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन सर के मार्फत आज ये भी पता चला कि नगर निगम कहाँ कहाँ, कौन से एरियाज़ में किस किस तरह से काम कर रहा है। फ़िलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।